नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम कच्चे आम का चटनी अचार बनाएंगे। बहुत ही डिफरेंट अचार है और बहुत जल्दी बन जाता है। कच्चे आम का चटनी अचार बनाने के लिए हमने दो कच्चे आम ले लिए हैं। इन्हें हम छील कर छोटा छोटा काटेंगे, तो पतला पतला हरा छिलका निकाल देंगे। पहले गुठली के ऊपर से पल्प उतार लेंगे। इनको अब हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। ये आम के हमने टुकड़े बनाकर तैयार कर लिए। कढ़ाई गरम कर लेते हैं। एक चमचा तेल हम कढ़ाई में डाल देंगे और गरम करेंगे। गरम तेल में आम के टुकड़े डाल देंगे और इन्हें हम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। आम के टुकड़ों को हमने थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए एकदम सॉफ्ट होने तक पका लिया है। स्पैचुला से ही ये बिल्कुल इस तरीके से दब कर मैश हो रहे हैं। इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। आम के टुकड़े ठंडे हो गए हैं, हम इन्हें ग्राइंडर जार में डाल देंगे और पीस लेंगे। अब हम अचार के लिए मसाले तैयार करेंगे। आधा कप सरसों का तेल गरम करेंगे इसे अच्छे तरीके से। आधा छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और एक छोटी चम्मच सरसों के दाने हल्का सा भूनेंगे। सरसों के दाने भूनने के बाद एक छोटी चम्मच साबुत सौंफ हल्का सा भून लेते हैं और अब एक पिंच हींग, दो टेबलस्पून सौंफ पाउडर, दो टेबलस्पून पीली सरसों का दरदरा कुटा पाउडर, एक टेबलस्पून मेथी के दाने का दरदरा कुटा पाउडर, आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर, तीन चौथाई छोटी चम्मच दरदरी कुटी ताज़ा काली मिर्च और दो टेबलस्पून लाल मिर्च, दो टेबलस्पून नमक। और अब आम का पेस्ट डाल देंगे और इन सबको मिलाते हुए एक मिनट पका लेंगे। सारे मसाले और आम का पेस्ट अच्छी तरीके से मिल गए हैं। अचार को हल्का ठंडा होने के बाद एक टेबलस्पून सिरका डालेंगे। सिरका किसी भी तरह का डाला जा सकता है। सिरका डालने से अचार का स्वाद अच्छा हो जाता है और अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। रॉ मैंगो चटनी पिकल बनकर तैयार है। इसे पूरी तरह से ठंडा होने के बाद किसी भी कांच के कंटेनर या फूड ग्रेड प्लास्टिक के कंटेनर में भरकर रख लीजिए। इस अचार को पूरे एक साल तक खाया जा सकता है। इसे अचार के तौर पर तो यूज करेंगे ही, इसे समोसे वगैरह के साथ में चटनी के रूप में भी यूज कर सकते हैं। और जब आप कोई चटनी बना रहे हैं तो एक छोटी चम्मच इस अचार की आप उसमें मिला लीजिए और चटनी पीस लीजिए, चटनी का टेस्ट अच्छा हो जाएगा। या फिर कोई भरवा सब्जी बना रहे हैं तो भरवा मसालों में एक छोटी चम्मच इस अचार की डालिए, मिलाइए और उस मसाले को भरकर सब्जी बनाइए, सब्जी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अगर आपको कभी लगे कि अचार सूखा हो रहा है तो थोड़ा सरसों का तेल गरम कीजिए और ठंडा कीजिए और अचार में मिला दीजिए। तो आप ये अचार बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।